हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। तो फ्रेंड्स, अगर आप जीबी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपनी जीबी व्हाट्सएप के एप्लीकेशन को कैसे अपडेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में। और मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँगा जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी जीबी व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर देना है अपने फ़ोन के अंदर से। ठीक है, मैंने उसे अनइंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसी ब्राउज़र को ओपन करें, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है www.google.com, उसके बाद सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जीबी व्हाट्सएप डाउनलोड ये लिखना है और फिर सर्च कर देना है जीबी व्हाट्सएप डाउनलोड। उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, तो उसमें आपको सबसे ऊपर ही है, सबसे पहले नंबर पे डाउनलोड जीबी व्हाट्सएप ऐप एपीके लेटेस्ट वर्ज़न, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और इसमें आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ये लेटेस्ट ऑफिशियल जीबी एंड प्लस की वेबसाइट है। यहाँ पे डाउनलोड जीबी व्हाट्सएप एप्लीकेशन लेटेस्ट वर्ज़न है, ठीक है, इसकी सारी डिटेल दे रखी है आपको। 44 MB की है ऐप का साइज़। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये येलो बॉक्स में लिखा भी हुआ है कि आपको इस अपडेटेड वर्ज़न को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने के लिए अपना पुरानी व्हाट्सएप की जो जीबी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आपको इस अपडेटेड वर्ज़न को अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, डाउनलोड जीबी व्हाट्सएप ऐप, ठीक है, डाउनलोड टू सर्वर टू से दे रखा है ये, और ये अपडेटेड जीबी व्हाट्सएप प्रो है, ये हमें नहीं करना। तो हमें इसमें पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर पहले वाले ऑप्शन से आप पे डाउनलोड नहीं होती तो आप ये दूसरा वाला ऑप्शन सर्वर टू वाला सेलेक्ट करेंगे, तो हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ से हमें इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और ये हमारे फ़ोन के अंदर डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी गूगल क्रोम के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका 40 MB के अराउंड फाइल साइज़ है। डाउनलोड होने के बाद इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर और इसे फिर यूज़ करना है। ये इसका लेटेस्ट वर्ज़न है जो सबसे अपडेटेड वर्ज़न है। तो इस तरीके से बहुत आसान, सबसे सरल तरीका है ये, इस तरीके से आप अपने जीबी व्हाट्सएप एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।